2023 के अगस्त सितंबर के महीने इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं। बीते एक महीने में भारत ने जो भी हासिल किया वो सदियों तक देश की दशा और दिशा तय करेगा। मैं आपको पिछले 30 दिन का एक रिकैप देना चाहता हूँ। सिलसिला शुरू हुआ 23 अगस्त को चंद्रयान की लैंडिंग के साथ, जब भारत चंद्रमा पर पहुंचा। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे के रूप में अमर हो गया। सिर्फ चंद्रयान ही नहीं, अगले ही हफ्ते भारत ने सोलर मिशन भी लॉन्च किया। आदित्य L1 सूरज के अब तक के सबसे करीब पहुंचने वाला उपग्रह होगा। अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से भी ये महीना बेहद महत्वपूर्ण रहा। साउथ अमेरिका में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रयास से 6 नए देश शामिल हुए। 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीस की यात्रा की और इसके साथ ही भारत को यूरोप में एंट्री का नया दरवाजा मिला। G20 में अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना और संपूर्ण सहमति के साथ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, इन सब ने भारत की स्थिति को मजबूत किया है। आज के पोलराइज इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में इतने सारे देशों को एक साथ एक मंच पर लाना छोटा काम नहीं है दोस्तों। आप एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करो ना, तो भी तय नहीं कर पाते हो कहाँ जाए। बीते 30 दिनों में ही प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के 85 देशों के नेताओं से मुलाकात की। नतीजा, सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर सहमति बनी है, जो कि दुनिया के सारे महाद्वीपों को आपस में जोड़ेगा। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं, घरेलू स्तर पर भी भारत में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि ऐतिहासिक है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होती है, जो लाखों कारीगरों को आगे बढ़ने में मदद करेगी। और फिर नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होता है, जो कि महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीता एक महीना हर भारतीय के लिए गौरव का महीना है, और ये सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह। वही दूसरी तरफ देश का विपक्ष भी है, जिसने अपना नाम तो रख लिया है इंडिया, लेकिन काम करता है भारत विरोधी। ये भी देख लेते हैं कि जब भारत एक के बाद एक इतिहास रच रहा था, तो पूरे महीने विपक्ष कैसे जलनखोरी और अनर्गल बातों की कीर्तिमान बना रहा। जब भारत चांद पर पहुंचा तो विपक्ष क्रेडिट लेने की होड़ में जुट गया। G20 जो कि पूरे देश की नाक का सवाल था, विपक्ष पूरे वक्त G20 की बुराइयां करता रहा, इसके असफल होने की कामना करता रहा। कभी राहुल गांधी पुराने होर्डिंग्स दिखा रहे थे, तो कभी दूसरे राज्यों में जानवरों पर हुई क्रुएलिटी को G20 का बता रहे। भारत मंडपम की बात हो या फिर मेहमानों की आवभगत की बात, विपक्ष ने हर जगह बेबुनियादी बातें की। जब संसद में महिला आरक्षण बिल आया तो उसमें OBC का पेंच फंसाकर उसे रोकने की कोशिश की गई, और फिर क्रेडिट लेने की भी कोशिश की गई। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। सितंबर 2023 इसलिए भी याद रखा जाएगा कि कैसे घमंडिया ने सनातन का अपमान किया और एक के बाद एक सनातन विरोधी बयान दिए। एक तरफ भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ घमंडिया आगे बढ़ते भारत की टांग खींचकर वापस उसको गर्त में धकेलना चाहता है, बस इसी जलन में कि हमको क्रेडिट क्यों नहीं दिया।